अक्षय कुमार साहब के सितारे बड़े पर्दे पर अच्छा मेल खा रहे हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर जब वो आए हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के साथ, तो यहाँ पर इनके सितारे हिचकोले खा रहे हैं। जी हाँ, सितारे डगमगा रहे हैं। स्पेशली कपिल शर्मा के साथ तो सितारे और भी गड़बड़ा गए हैं, मामला बड़ा जटिल है। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। जनाब मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार साहब के शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बारे में। अब इसमें कपिल शर्मा का नाम इसीलिए जुड़ता है क्योंकि कपिल शर्मा अपनी आने वाली फिल्म फिरंगी को प्रमोट करने के लिए आने वाले थे अक्षय के शो पर। कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के शो पर जाने से एक रात पहले ही बताया था सबको कि वो जाने वाले हैं, लेकिन अगले दिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की टीम वेट करती रही, अक्षय कुमार वेट करते रहे, लेकिन कपिल शर्मा नहीं पहुंचे। आधे दिन के बाद उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर ने उन्हें शूटिंग के लिए मना किया है, इसीलिए कपिल शर्मा साहब नहीं पहुंच पाए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के शो पर अपने फिल्म फिरंगी को प्रमोट करने के लिए। वेल, जब बात करियर के सितारों की चल रही है तो बता दें कि अक्षय कुमार और कपिल शर्मा के बीच के जो सितारे हैं ना, वो भी हिचकोले खा चुके हैं। दरअसल जैसे ही कपिल शर्मा का सुनील ग्रोवर के साथ विवाद हुआ तो सलमान खान भी नाराज हुए थे, उसके बाद अक्षय कुमार भी कपिल से नाराज हो गए थे। हालांकि सलमान कपिल के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अक्षय के साथ कुछ खास ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को प्रमोट करने के लिए वो कपिल के शो पर नहीं गए थे। हालांकि उसका रीजन ये भी था कि कपिल शर्मा साहब की तबीयत उस वक्त भी खराब चल रही थी, और अब जब अक्षय के शो की बारी आई तो कपिल शर्मा की तबीयत खराब हो गई है। अब अंदर की बात भले कुछ और हो, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि कपिल की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने दे दिया गच्चा। खैर, आपको बता दें कि कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी थिएटर्स में आने वाली है 24 तारीख को। ये कपिल शर्मा की दूसरी फिल्म है जिसमें वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके प्रोडक्शन की बात की जाए तो कपिल शर्मा के प्रोडक्शन में बन रही ये उनकी पहली फिल्म है। कपिल इसमें न सिर्फ लीड रोल में है बल्कि फिल्म को प्रोड्यूस भी वही कर रहे हैं। और इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा साहब बिग बॉस के घर भी गए थे, जहां उन्होंने घर वालों के साथ मस्ती तो की ही की, वहीं पर सलमान के साथ भी काफी ठहाके लगाए थे। पर अब देखते हैं कि कपिल शर्मा साहब अक्षय के शो पर वापस जाते हैं या नहीं जाते हैं, बाद में पता चलेगा। फिलहाल फिल्मी बीट में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।